सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच।
सारे बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सेवक की ओढ़क निभही प्रीत, सेवक की अक्सर हम लोग बात करते हैं ना तो कहते हैं कि भी हम तो सेवादार हैं, सेवक हैं गुरु के। सभी कहते हैं, पर गुरु अर्जुन देव जी महाराज कहते हैं सेवक बनना कोई आसान नहीं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। हम कह तो देते हैं हम सेवादार हैं, सेवक हैं, पर एक्चुअली में उसके पैरामीटर्स हैं। आज पता चल जाएगा हम सेवक हैं कि नहीं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। सेवक इतना बड़ा औहदा है, इसीलिए बाबा नैन सिंह जी का जीवन पढ़ो ना तो उसमें बार बार ये बात आती है। कोई आता था ना, अभी श्रद्धा बाबा नैन सिंह जी को देखकर जाग जाती थी, उनका जीवन उनकी कमाई। तो कोई ज्ञानी महापुरुष आके उनके दर्शन करते कहते थे आप तो गुरु नानक का रूप हो। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नैन सिंह जी उसी वक्त ताड़ना कर देते थे, गुस्सा करते थे कि गलती से भी ये बात मत कहना, अभी तक तो मैं सिख भी नहीं बना हूं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं सिख भी नहीं बना हूं अभी तक। बाबा नैन सिंह जी के वचन बार बार आते हैं, यही बात गुरु अर्जन देव जी महाराज समझा रहे हैं कि सेवक इतना बड़ा औहदा है, अगर कोई बन जाए तो उसकी अवस्था क्या होती है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारे कहने से हम सेवक नहीं बन जाएंगे, जब तक गुरु नहीं मानेगा हमें अपना सेवक। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। सेवक कौन? एक एक पंक्ति है। सेवक की ओढ़क निभह प्रीत। दुनियावी प्रीत होती है ना, चाहे रिश्तेदारों से हो, चाहे मित्रों से हो, चाहे घर वालों से हो, जरूरत के हिसाब से कम ज्यादा होती है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। जरूरत के हिसाब से, समय के हिसाब से घटती बढ़ती रहती है, कई बार खत्म भी हो जाती है, टूट भी जाती है रिश्ते। यहां पर कहा है सेवक की ओढ़क निभह प्रीत। दुनियावी जितनी भी प्रीतें हैं वो झूठी हैं, बीच में छूट सकती हैं, तुझे छोड़ सकते हैं, तू उन्हें छोड़ सकता है। पर सेवक की गुरु के साथ जो प्रीत है, मालिक के साथ जो प्रीत है, वो ओढ़क निभती है। ओढ़क कहते हैं अंत तक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और यहीं तक नहीं, वाणी कहती है जीवत साहिब सेवियो अपना, चलते राखियो चीत। केवल जीते जी नहीं, इस दुनिया में नहीं ये प्रीत निभती। जीवत साहिब सेवियो अपना, सेवक दिन रात श्वास श्वास अपने साहिब का सिमरन करता है। और चलते राखियो चीत, जब मृत्यु आती है तब भी उसके चित्त में वही प्रीत होती है गुरु के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भाव मृत्यु के बाद भी उसकी प्रीत कायम रहती है अपने गुरु से, सेवक की, वो होता है सेवक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जीवत साहिब सेवियो अपना, चलते राखियो चीत। सेवक की ओढ़क निभह प्रीति, जिसकी प्रीत आखिर तक निभ जाए वही सेवक है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारी तो एक डिमांड पूरी ना हो, एक अरदास पूरी ना हो, कोई घर में कुछ अनहोनी हो जाए, हम गुरु से मुख मोड़ लेते हैं कि गुरु है ही नहीं, गुरु ने मेरे साथ ऐसे कैसे कर दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ओढ़क एक एक पंक्ति श्रवण कीजिए, ज्ञान हो जाएगा हम सेवक हैं कि नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मान मोह और लोभ विकारा बियो चीत ना घाले, नाम रतन गुणा हर बनजे लाद वखर लह चालिया। मान मोह लोभ, इन विकारों से ऊपर उठ जाता है सेवक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ना उसे मान की लालच होती है कि मुझे गुरु मान दे, लोग मुझे मान दे, सत्कार दे, ना मोह होता है किसी से भी, कोई बंधन नहीं मोह का, और ना ही लोभ होता है किसी चीज का कि सेवा करूंगा और ये मिलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा ईश्वर सिंह जी के वचन याद आ जाते हैं ना,
क्योंकि उन्होंने वो कमाए वचन जो उन्होंने किए। बाबा ईश्वर सिंह जी के वचन है, मान मोह और लोभ विकार अभियो चेतना का लियो, ना मान है ना मोह है ना लोभ है। बाबा ईश्वर सिंह जी के वचन, सेवक का मतलब क्या होता है? सेवक का मतलब होता है, कहते थे ये परना कहते हैं इसे, जो पहना है ना, मेरी मर्जी है मैं इसे जमीन पे बिछा कर ऊपर बैठ जाऊं, मेरी मर्जी है इसे हाथ पहुंचू मुंह पहुंचू, मेरी मर्जी है चाहे मैं इसे सर पर बांध लूं अपना ताज बना लूं, मेरी मर्जी है, इसकी मर्जी नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, और ये कुछ नहीं कहेगा। बाबा ईश्वर सिंह वचन करते थे, सेवक परना बन के रहे, परना, गुरु की मर्जी है ऐसी सेवा दे जिसका किसी को पता ही ना चले, उसका कोई पता ही ना चले कि वो सेवादार है भी, ऐसी सेवा पे बिठा दे, गुरु की मर्जी ऐसी सेवा पे बिठा दे लोग उसे पूजें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, गुरु की मर्जी है कौन सा औहदा उसे देता है, पर वो मान की डिमांड ना करे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, अपना मन मार के सेवा करे, सेवक परना बन के रहे, चाहे गुरु नीचे बिछा के ऊपर बैठ जाए किसी को दिखाई ना दे पर वो सेवा कर रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, चाहे पगड़ी बांध ले इससे सारी दुनिया दिखे पर वो अपने गुरु से मुख ना मोड़े। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, ये होता है सेवादार। हम कहते हैं हमें अपनी मर्जी की सेवा नहीं मिली तो सेवा नहीं करेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सेवा वो जो गुरु की मर्जी से सेवा करे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, यहां पर अपनी मर्जी खत्म, इसकी अपनी मर्जी नहीं है पढ़ने की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, यही बात गुरु अर्जन देव जी महाराज समझा रहे हैं, मान मोह और लोभ विकारा बियो चीत ना घाल्यो, दूसरी तरफ ध्यान ही नहीं जाता, नाम रतन गुणा हर बनजे लाद वखर ले चाल्यो। वो इकट्ठे करता है जेवरात, कौन से जेवरात, जैसी आज्ञा कीनी ठाकुर तिस ते मुख नहीं मोर्यो, गुरु जो कहे, जैसी आज्ञा कीनी ठाकुर, जो उसकी मर्जी हो मुख ना मोड़े कभी कि मैं नहीं कर सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, गुरु का जो हुक्म सर माथे पर,
महापुरुष वचन किया करते थे, जब गुरु हुक्म देता है ना तो उसे मानने की ताकत भी खुद देता है। बस हमें सत वचन करना आना चाहिए। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारी अवस्था नहीं कि हम कुछ कर सकें, हमें सिर्फ सत वचन कहना है, अपनी तरफ से कोशिश करनी है। ताकत गुरु बख्शता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ये जो आप गुरु नानक की मेहर से इतनी संगत लाखों की तादाद में जुड़ी हुई है, अमृत वेले उठती है। कैसे उठी? सत वचन कर दिया, मन मान गया कि उठेंगे। गुरु नानक ने उठा दिया, शक्ति दे दी। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। आपने सत वचन किया सिर्फ। हमने सिर्फ सत वचन कहा, अच्छा कोशिश करूंगा। मैं हमेशा हाथ खड़े करवाता हूँ, कोशिश करेंगे। उठना 100% हमारे बस में नहीं, हम कोशिश हमारे बस में है। और जो कोशिश करता है गुरु नानक जरूर उठाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सहज आनंद रखे हो ग्रह पीतर, उठ उहां को दौड़। अंदर सहज है, आनंद है, नाम का सिमरन चल रहा है। जैसे गुरु आज्ञा करता है उस तरफ दौड़ पड़ता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज्ञा में भूख सोई कर सूखा, सोग हरख नहीं जान्यो। अब ये इम्तिहान वाली बात है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस पंक्ति पे आके हम सब डोल जाते हैं। जब तक सुख मिल रहा है गुरु अच्छा है, दुख आ गया गुरु है ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु चाहिए सुख देने के लिए। पर एक बात हमेशा याद रखना, बाबा नंद सिंह जी के वचन, जब हम अमृत ले उठते हैं, नाम जपते हैं, घालना घालते हैं, घड़ा भर रहा है पुण्यों का। अब दसवीं से ग्यारहवीं में जाना है, ग्यारहवीं से बारहवीं में जाना है, अगली क्लास, अगली सीढ़ी मिलनी है, अगली मंजिल मिलनी है। अध्यात्म की बात कर रहे हैं दास, इम्तिहान तो होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इम्तिहान तो होगा ही होगा। सिख का काम है गुरु के आगे अरदास करे, गले में पल्ला डालकर, पाछा इम्तिहान नहीं लेना। मैं फेल हूँ, फेल ही हो जाऊंगा, मैं किसी लायक नहीं, पर इम्तिहान फिर भी होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर जब सिख विनम्रता से अरदास करता है ना कि मैं फेल ही फेल हूँ, मैं किसी लायक नहीं, इम्तिहान से पास वो खुद कराता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर इम्तिहान होगा जरूर। और इम्तिहान किसे कहते हैं? जब दुख आता है वही होता है इम्तिहान। गुरु यही परखता है अब ये डोलता है कि नहीं डोलता, अब इसका विश्वास श्रद्धा वैसी रहती है कि नहीं रहती है। हमारी टूट जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किस बात के सेवक? ना अपनी मर्जी से हम बिना अपनी मर्जी के कोई सेवा करने को तैयार है। दुख आ जाए तो दूसरी तरफ भागने को तैयार बैठे होते हैं। कोई बताए सही, कोई यहाँ जाओ ठीक हो जाएगा, वहां जाओ ठीक हो जाएगा, दौड़ चलते गुरु को छोड़कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कैसे सेवक हम? गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं, आज्ञा में भूख सोई कर सुखा। अगर भूख भी दे तुझे, उसकी आज्ञा में है, मान ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर अगर तू उसे सुख करके जानता है, सोग हरख नहीं जाने, तू विचित्र नहीं होता, तू मानता है कि गुरु की, गुरु का इम्तिहान चल रहा है, गुरु खुद कर रहा है जो मेरे साथ कर रहा है, जो जो हुक्म पयो साहिब का सो मात है ले मान्यो, जो तेरे साथ गुरु करे सर मस्तक पे ले शुक्राना कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बड़ा मुश्किल है ये, गुरु करवाए तो कोई कर सकता है। इसीलिए अरदास कहते हैं ना, अरदास आखिर में क्यों होती है? अरदास कि सारी मेहनत करके कोई फायदा नहीं, लास्ट में अरदास ही काम आती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अच्छा मैंने सत्संग भी कर लिया, नाम भी जप लिया, कीर्तन भी कर लिया, पाठ भी कर लिया, सेवा भी कर ली, पर अब तेरे आगे अरदास है, करना तो तू नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो जो हुक्म भयो साहिब का सो माथे ले माने, भयो कृपाल ठाकुर सेवक को सवरे हलत पलाता। और अगर इम्तिहान ने पास हो गया तो तू विचलित नहीं हुआ, ना शुक्रा नहीं हुआ, कंप्लेन नहीं की दुख में भी, तो भयो कृपाल ठाकुर सेवक को सवरे हलत पलाता। तेरा यहाँ का ही नहीं, वहां का भी सवार के रख देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हलत सुख पलत सुख। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन सेवक सफल ओ आया, जिन नानक खसम पछाता। भयो कृपाल ठाकुर सेवक को सवरे हलत
पलाता। कबीर जी कह रहे कि सेवक कौन प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सेवक का जीवन कैसा, महापुरुष समझाया करते थे बाबा नंद सिंह जी, कहते थे बालक जैसे जन्म लेता है वो नेक कलंक होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, बड़ी ध्यान से समझना बात को। बालक का जब जन्म होता है वो निकलंक होता है, कोई अपराध नहीं कमाया होता तब तक उसने, उसके मन में कोई विषय विकार नहीं होता, पवित्र होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, आत्मा से मन से। कहते थे जिस प्रकार जन्म हुआ है माता के गर्भ में से, मृत्यु तक अगर उसका मन वैसा रहे तो सच्चा सेवक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भाव सारे जीवन में भी कोई कलंक ना लगे, वैसा ही निर्मल रहे, वैसा है, उसे कहते हैं सेवक की ओढ़क निभे प्रीत। और बाबा नंद सिंह जी वचन किया करते थे, हमने ऐसा एक ही देखा है, और नाम लेते थे बाबा ईश्वर सिंह जी का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते हैं जवानी की उम्र है इसकी, कहा करते थे, पर इसके मन में विषय विकार होता क्या इसे पता ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, जैसा जन्म लिया बालक ने वैसे ही प्राण त्यागे बाबा ईश्वर सिंह जी ने आखिर तक, और सेवक बनकर दिखाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी जो कहते हैं, जो इशारा करते, एक बार तो ऐसी घटना सामने आती है, बाबा नंद सिंह जी दोपहर का समय, गर्मियों का समय, सिमरन में लीन है, गला सूख गया, प्यास लग गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब गला सूखा प्यास लगी तो वो उनके पास एक छोटी सी वो घंटी रखी होती थी, बजाते थे, सेवादार अंदर आता, सेवादार कौन थे, बाबा ईश्वर सिंह जी। बाहर दीवार से कंधा लगाकर खड़े रहते थे पूरा दिन,
ज़्यादा से ज़्यादा कभी बैठ जाना, लेटना तो दूर की बात है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, पता नहीं कब आवाज़ आ जाए, कभी क्या चाहिए बाबा नंद सिंह जी को। अंदर बाबा नंद सिंह जी को प्यास लगी है, बाबा ईश्वर सिंह जी दौड़ कर गए, पानी लेकर आ गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा जी ने बेल नहीं खड़काई, घंटी नहीं बजाई, कहा नहीं, पर बाबा ईश्वर सिंह जी को पता चल गया कैसे एक मिकता हो चुकी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, पूरा समय ध्यान ही बाबा नंद सिंह जी का, और इतनी एक मिकता हो गई। जब जल आगे लाके बाबा नंद सिंह जी आगे किया, तो बाबा नंद सिंह जी उस वक्त बाबा ईश्वर सिंह जी को देखकर मुस्कुरा पड़े। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्यों ना हो ये एक मिकता, ये कैसे होती है, पवित्र था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुझे महापुरुषों ने पर्सनली एक बात बताई थी बड़ी ध्यान से, कहते थे पुराने जमाने में, पुरातन जमाने में गुरु शिष्य लिखा कर कुछ नहीं देता था, सिखाते थे ना, ज्ञान मांगते थे ना, शिष्य गुरु से ज्ञान दे दो, ब्रह्म ज्ञान दे दो, ये दे दो। जैसे आप देखते होंगे महाभारत रामायण, अस्त्रों का ज्ञान, शिष्य सामने बैठा है, गुरु यहां बैठा है, कुछ लिख कर नहीं दे रहा, सामने बिठाकर उसमें प्रवेश कर रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जैसे आज ब्लूटूथ से होता है, मोबाइल से दूसरे मोबाइल में डाटा चला जाता है ना, पुराने जमाने में ऋषि महापुरुष मुनि को लिखकर नहीं देते थे, जिस शिष्य पर प्रसन्न हो जाते थे, जिसकी आत्मा पवित्र होती थी, सारा ज्ञान उसमें प्रवेश कर देते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये ज्ञान क्यों खत्म हो गया पुरातन, क्योंकि वो वैसे ना हृदय रहे, ना वैसे मन रहे, ना वैसी आत्माएं रही, पवित्रता खत्म हो चुकी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर हृदय में कचरा भरा हुआ है, गलत ख्याल, गलत सोच, पूरा दिन हम गलत देखते हैं, गलत सुनते हैं, और सोचते हैं कि वाणी का रस आ जाए अंदर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गाते हैं मुरे हृदय बसो गोपाल, पर कहाँ से बसेगा, इतना गंद पड़ा है अंदर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। यहाँ पर बात हो रही है सेवक की, ओढ़क निभी प्रीत, आखिर तक प्रीति किसकी निपती है, सेवक की। सेवक कौन, जैसा जन्म लिया है वैसे ही मृत्यु हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हमारे बस में ये तो नहीं कि हम पवित्र अब तो रहे नहीं, पर पवित्र हो जरूर सकते हैं इस वाणी की ताकत से। परिये मत पापा के संग हो तो पै, जितना नाम जप लेंगे, जितना अमृत वाला संभाल लेंगे, जितनी गाल ना गाल लेंगे, ये साफ हो जाएगा अंदर से। नाम यही करता है, झाड़ू मार देता है अंदर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये नाम की ताकत है, हम अपवित्र हैं पर नाम हमें पवित्र बना सकता है। इसीलिए नित्यनेम संभालो। नित्यनेम क्यों कहा है, रोज रोज हम भाई रखते हैं, एक दिन ना आए घर गंदा हो जाता है, दो दिन ना आए घर गंदा हो जाता है। क्यों कहते हैं रोज अमृत ले उठो, रोज नित्यनेम करो, नित्यनेम रोज करो, नहीं करोगे गंदा हो जाएगा, हर रोज सफाई की जरूरत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और इसको जन्म जन्म की इस मन को मल लागी, जन्मों की मैल लगी, काला हुआ सो काला हो चुका है, खरीली तोती उजली न हुई, ये सौ तो वन पाओ, सौ बार धो लो, ग्रीस से भरी हुई कोई हो ना चीज कपड़ा, कितना भी धो लो साफ नहीं होता। पाछा कह रहे वैसी तेरी हालत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। खनली तोती उजली ना हुई, जैसो तवन पाओ, गुर प्रसादी जीवत मरे, उल्टी हो वे मत बदला, अगर तू जीते जी मर गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जीते जी मरना किसे कहते हैं, अपने मन को मार लिया जिसने, मान मोह त्याग दिया जिसने, गुरु के हुक्म में आ गया, जो गुरु कहे बस, अपनी मत खत्म। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तब कृपा वर्ती है, उल्टी हुए मत बदलाओ, नानक मैल ना लग गई ना फिर जोने को, फिर मैल नहीं लगेगी। अगर जीते जी मर गए, अपने मन को मार लिया, गुरु के आगे झुक गए अंदर से, अहंकार खत्म, फिर मैल नहीं लगेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा, धोना पड़ेगा इसे। बाहे गुरु, बाहे गुरु, बाहे।
प्यार से बोलिए धन गुना। कबीर जी कह रहे कबीर जैसी उपजी पेड़ ते जो तैसी निभ है ओढ़। पेड़ में जैसे कोमल शाख पैदा होती है ना, नई नई जब एक दो पत्ते निकलते हैं जिसमें से, कितना कोमल होता है वो, कितना प्यारा होता है। कबीर जी कहते हैं जैसे वो शाख उगी है मुरझाने तक वैसी रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक तो बात बन जाए। अगर ऐसा जीवन हो सेवक का, हीरा किसका बापुरा पूजन रतन कुड़ोर, उसकी कीमत नहीं कही जा सकती। एक हीरा नहीं करोड़ों हीरों देकर भी ऐसे कोई जीवन वाला मिल जाए ना, उसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती, जिसका जीवन इतना कोमल इतना निर्मल हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक कि जैसा जन्म लिया है वैसे ही मर जाए निकलंक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ओढ़क निभही प्रिय सेवक, ओढ़क निभही प्रिय सेवक की, ओढ़क निभही प्रिय, ओढ़क निभही प्रिय सेवक की, ओढ़क निभही प्रिय सेवक की, ओढ़क निभही प्रीत, सहज आनंद रखियो गे पीतल, उठुआ हूँ कहो दौरियो, सहज आनंद रखियो गे पीतल, उठुआ हूँ कहो दौरियो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सहज आनंद रखियो ग्रह पीतल, सहज सहज किसे कहते हैं? सहज की डिटेल में जाएंगे तो ये अवस्था के कई पहलू हैं और सबसे विशेष पहलू है धीरज। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सहज घाई नहीं कालापन नहीं कि अभी चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये गुरु प्रसाद है जब उसकी मर्जी। बाबा कुंदन सिंह जी के वचन है ना कि सिख की झोली जरूर भरती है अगर तीन गुण हो, अहंकार ना करे, डर ना छोड़े, काला ना पवे भाव सहज रखे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर ये तीन गुण हैं जो चाहिए वो गुरु से प्राप्त हो सकता है, झोली भरेगी ही भरेगी। पर हम चूक जाते हैं, या तो डर छोड़ देते हैं बदल लेते हैं, या तो अहंकार कर बैठते हैं कि मैंने इतना पाठ किया मेरा काम नहीं हुआ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर यहां तो धीरज है ही नहीं, हर रोज कंप्लेन, इतने दिन हो गए, ये जन्मों का खेल है भाई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसकी मर्जी अभी मिल जाए, उसकी मर्जी हजार जन्मों के बाद मिले, उसकी मर्जी है हमारी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी बड़ी प्यारी घटना सुनाया करते थे, ये वो खुद सुनाया करते थे संगत में। कहते हैं एक मुसलमान पीर फकीर इबादत में लगा है, इतनी इबादत की उसने दिन रात, बुजुर्ग हो गया, मृत्यु के करीब पहुंच गया है और इबादत नहीं छोई। इबादत कैसी की कि तस्बीह फेर फेर के उंगली घिस गई है, सिजदे कर करके माथा घिस गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इनफैक्ट सच में घिस गया है, उंगलियां भी और माथा भी। हजरत मोहम्मद साहब प्रसन्न हो गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी सुना रहे हैं घटना। कहते हजरत मोहम्मद साहब प्रकट हुए, कहने लगे तेरी भक्ति
बलिहार जाऊं। बिहार से बोलिए, धन गुरु नानक, तेरी इबादत को देखकर मैं इतना प्रसन्न हूं कि ऐसी इबादत उसने, उस पीर ने हजरत मोहम्मद साहब के चरणों पे अपना सर रखा, सिजदा किया, हाथ जोड़कर, आंखों में आंसू है, जो चाहता था वो हो रहा है। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। हजरत मोहम्मद साहब कहते हैं, जैसे उसने चरणों पे सर रखा ना, हजरत मोहम्मद साहब ने आंखें बंद कर ली और आंखें खोलकर वो परेशान से दिखाई देने लगे। हजरत मोहम्मद साहब कहने कि मैं आया तो बहुत खुशी खुशी था कि तेरी जो इच्छा हो मैं पूरी करता हूं, तुझे अल्लाह के पास ले जाओ, तेरी जो इच्छा। पर अब मैं हैरान हूं देखकर, मैंने दिव्य दृष्टि से देखा कि तूने जितनी भी भक्ति की है वो तो दरगाह में परवान ही नहीं हुई। यार से बोलिए, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कमाल की बात है सत्संगत, सारा जीवन बंदगी में लगा दिया, इतनी बंदगी की सिजदे कर करके माथा घिस गया, तस्बीह फेर फेर कर, माला फेर फेर कर उंगली घिस गई, पर दरगार में कबूल ही नहीं हुई बंदगी। यहाँ से बोलिए, धन गुरु नानक। हमारे जैसा कोई होता रो पड़ता, चिल्ला पड़ता, खुदा को भला बुरा कहने लगता, पर वो सेवक की पदवी प्राप्त कर चुका था, सहज में हाथ जोड़ दिया उसने, कहने लगा मोहम्मद साहब, हे गरीब निवाज, मेरी बात सुनो। माली का काम होता है पौधा लगाना और उसे सींचना, समय से पानी देना। मैं माली हूं, मैंने अपना फर्ज निभाया, मैंने पौधा लगाया नाम का, उसे रोज सींचता रहा, जैसे आपने कहा था वैसे ही इबादत की। अब उस पौधे को फल लगाना, ये तो कुदरत का काम है ना। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। कुदरत अगर अपना काम ना करे, मालिक का तो दोष नहीं ना, मालिक ने तो अपना फर्ज निभाया, मैंने अपना काम किया, मैंने तस्बीह फेरी, सिजदे किए, जैसे आपने सिखाया था वैसा किया, अब उसे परवान कराना आपका काम था। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आपने नहीं किया तो दोष मुझ पर कैसे, वो आपका काम था। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। इसने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर जब ये जवाब दिया, मोहम्मद साहब खुश हो गए। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और उसे अपने साथ दरगाह में ले गए अल्लाह के पास। ये बचन बाबा नंद सिंह जी सुनाकर कहा करते थे, बस ऐसा सहज हो, ऐसा सहज हो, मन विचलित ना करे, कोई आके कह दे कि हजार जन्मों बाद मिलेगा, मन विचलित ना हो, मिलेगा तो सही। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर, चाहे नजदीक अभी मिल जाए, चाहे ना जाने कितनी दूर है, पर मिलेगा जरूर। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। जो इस रास्ते पे चल पड़ा है, क्योंकि गुरु नानक पाशा के बचन है, तो अमृत वेला संभाल ले, मैं तुझे संभाल लूंगा। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। भाई हम तो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं गुरु नानक पाशा, आपने कहा आप ही उठा रहे हो, हम बैठ रहे हैं, अभी आपका काम है मिलना। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। हमारे किए हुए पाठ, हमारे किए हुए सेवा नहीं मिला सकती, आपका तरस मिला सकता है। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सहज आनंद रखियो गे पीता, उठ एक अरदास हृदय से निकले, पाछा मैं सेवक बनने लायक नहीं, सेवक तो उतनी ऊंची अवस्था है मुझे पता ही नहीं, मैं तो अपने आप को सेवक समझता रहा, पर मैं तो सेवक हूं ही नहीं, पर तू बना दे,
तेरे चरणों में बैठा हूँ, तेरे चरणों में आया हूँ। तूने अपने चरणों में बिठाया है, तरस कर सेवक का दर्जा दे दे, सेवक की अवस्था दे दे कि मेरी प्रीत आखिर तक निभ जाए। मरते हुए जब श्वास निकले तो प्रेम तुझसे हो, तेरा ख्याल हो, तेरा ध्यान हो, तुझे पाने की इच्छा हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ओढ़क निभ ही प्रीत सेवक, ओढ़क निभ ही प्रीत सेवक की, ओढ़क निभ ही प्रीत, ओढ़क निभ ही प्रीत सेवक की, ओढ़क निभ सेव करे सब तेरी, जिन शब्द साध आया गुर कृपा ते निर्मल होआ, जिन विचों आप गवाया अनदिन गुण गावे, नित साचे गुर के शब्द सुहाया। मेरे ठाकुर हम बालक शरण तुम्हारे, हम बालक शरण तुम्हारे, एको सच्चा सच तो केवल आप मुरारी, हम बालक शरण तुम्हार, हम बालक शरण तुम्हारे, हम बालक शरण तुम्हारे, हम बालक शरण तुम्हारे, हम बालक शरण गुरु अमरदास जी, तीसरे गुरु नानक। सेवक क्या होता है समझा रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सेवक सेव करे सब तेरी, जिन शब्द है साध आया, जिसे शब्द का स्वाद आ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, जो शब्द का रस पिए शब्द का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, जब वो वाहेगुरु पढ़े तो उसे रस आए। सेवक प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, गुरु कृपा ते निर्मल हुआ, जिन विचों आप गवाया, गुरु की कृपा वर्त जाए जिस पर, अहंकार खत्म मन निर्मल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, अनदिन गुण गावे नित साचे गुर के शब्द सुहाया। मेरे ठाकुर हम बारक शरण तुम्हारे, हम बारक। आपने कभी नोट किया है कि वाणी में बार 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 ये पंक्तियां आती हैं कि हम बारक हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, राम अय्या हो बारक तेरा। जब भी फरियाद किए ना गुरु के आगे, बालक बन के की है, बच्चा बन के की। क्यों? उसकी वजह है,
बच्चा कोई गलत काम कर बैठे ना, सब माफ कर देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बच्चे की छोटी गलती बड़ी गलती भी माफ हो जाती है। कोई ज्यादा बड़ा अपराध भी कर बैठे अगर बच्चा है तो भी माफी है, कानून में भी माफी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसे सजा नहीं दी जा सकती क्योंकि बच्चा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ना समझ है तो जब भी बख्शाने की बात आती है तो बच्चे बन जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पाछा मैं तेरा बालक हूं, हम बालक शरण तुम्हारी, मैं तेरी शरण में आया हूं, मेरे अपराध मत देख क्योंकि मैं बालक हूं, मैं ना समझ हूं, मुझसे गलतियां हुई हैं, पर बालक समझ के माफ कर दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। समझदार बनकर माफी नहीं मिलेगी, समझदार बनकर आए तो सजा मिलेगी। ना समझ बनकर आना है यहां पर, अपनी मत नहीं चलानी। अपनी मत कौन चलाता है? जिसको समझो, अपनी मत छोड़ दो, ना समझ बन के आओ गुरु के आगे। मैं कुछ नहीं जानता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धर्मराज मानो क्षमा आ जाए, धर्मराज लेखा मांगने लग जाए। वैसे तो होगा नहीं जो अमृत ले उठते हैं। धर्मराय तर कागज फाड़े जन नानक लेखा समझा। पर मन ही मन में कभी ख्याल आए तो क्या करते हो? उसे तर्क करते हो? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। समझो गुरु नानक सामने खड़ा पूछ रहे, तूने अमृत वेला नहीं संभाला, तूने नित्यनियम नहीं किया तो क्या तर्क दोगे? नहीं मैं उठता था, नहीं बस माफी मांगना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कुछ नहीं जताना, मैं उठता था, आपने शायद ध्यान नहीं दिया, या ऐसा था या वैसा था। हाथ जोड़ देना माफी मांग, पाछा भूल हो गई। ये एक बहुत बड़ी युक्ति है। बड़ी से बड़ी गलती करके बाबा नंद सिंह जी के सामने को चला जाता था ना, बाबा नंद सिंह जी ताड़ना करते थे। सारे महापुरुषों का जीवन पढ़ लो आप, सारा इतिहास पढ़ लो, सारे गुरुओं का, चाहे किसी भी धर्म का कोई हो, अगर हाथ जोड़कर सेवादार माफी मांग रहा है तो उन्हें बख्शना ही पड़ता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर तर्क देता है, आगे से जवाब देता है, अपनी सफाई देता है, नहीं बख्शा जाता। बस बख्शा लो, हाथ जोड़ लो, झुक जाओ बालक बन के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कोई तर्क नहीं, बख्श लो। बहुत भूल हो गई, बहुत गलतियां हो गई, बख्श लो तो बख्श दिया जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर ये जता दिया मैंने इतना किया है, हिसाब किताब का पूरा रजिस्टर खुल जाएगा। फिर क्या होगा? लेखे कते न छूटी है। अगर लेखा हो गया छूट नहीं पाएगा, क्योंकि खिन खिन भूलन हार, हम हर सेकंड गलती करते हैं। बख्शन हार बख्श ले नानक पार उतार। इसलिए बारक बन के हम बारक शरण तुम्हारे, शरण तुम्हारे, शरण तुम्हारे, हम बालक 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 शरण तुम्हारे, शरण तुम्हारे, शरण तुम्हारे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने तो इस शब्द में तो हद ही पार कर दी है। ये बात तो दिमाग में बैठती ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, कमाल ही है। श्रवण कीजिए। हर का सेवक सो हर जेहा,
हर का सेवक सो हर जेहा पेद ना जानो मानस देहा। यहां से बोलिए धन गुरनाथ, धन गुरनाथ। मुझे नहीं लगता इस बात को हमारी छोटी बुद्धि तुच्छ बुद्धि समझ पाएगी। गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं, बहुत इतनी बड़ी बात कह दी कि हर का सेवक सो हर जेहा, जो सच्चा सेवक बन जाता है वो हरि का ही रूप हो जाता है जिसकी वो सेवा करता है। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक, भेद ना जानो मानस दिया। और यहाँ पे आगे और स्पष्टीकरण दिया है गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने, कहने लगे ये मत देखना कि वो इंसानी शरीर में है, मानुष है तुम्हारे जैसा, पर अगर वो सच्चा सेवक है, जिसका सेवक है उसी का रूप है। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक, हर का सेवक सो हर जेहा भेद ना जानो मानस देहा, क्योंकि वो मानस के शरीर में है, भुलेखा मत खा जाना। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। मैंने इस पर बहुत विचार किया इस पंक्ति पर, और पंक्तियां तो सच है ही, पर मन नहीं मान रहा था कि मेरी बुद्धि छोटी है ना। मैं विचार कर रहा था कैसे ये संभव है कि जिसका जो सेवक है उसी का रूप हो जाता है। फिर ध्यान आया कि बाबा नंद सिंह जी को जैसे ही दर्शन करते हैं गुरु नानक याद आ जाता है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, क्यों? बाबा नंद सिंह जी गुरु नानक का रूप हो चुके थे, उन्होंने सेवा किसकी की? गुरु नानक की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा ईश्वर सिंह जी ने सेवा की बाबा नंद सिंह जी की, उनका नाम लो बाबा नंद सिंह जी याद आ जाते हैं, दर्शन करके बाबा नंद सिंह जी याद आ जाते हैं। जिसने जिसकी सेवा की उसके दर्शन करके वही याद आ जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, उसके दर्शन उसमें से हो जाते हैं। गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने यहाँ प्रमाणित कर दिया ना वाणी में, कोई सोचने वाली बात ही नहीं रही। हर का सेवक सो हर जेहा भेद ना जानो मानस देहा, कि गलती मत कर बैठना, अनजान मत बन जाना, भुलेखा मत खा जाना कि इंसानी शरीर में हमारे जैसा ही है, पर अगर सच्चा सेवक है, जो सेवक वाली गुण उसमें है, तो वो हरि का रूप ही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ओड़क निभही प्रिय सेवक, ओड़क निभही प्रिय सेवक की, ओड़क निभही प्रिय, ओड़क निभही प्रिय सेवक की, ओड़क निभही प्रिय सेवक की, ओड़क निभही ओड़क निभही प्रिय सेवक, ओड़क निभही प्रिय सेवक की, ओड़क निभही सेवक की अरदास प्यारे, जप जीवां प्रभ चरण तुम्हारे, जप जीवां प्रभ चरण तुम्हारे, सेवक की अरदास प्यार, जप जीवा प्रभु चरण तुम्हारे। प्यार से बोलिए धन्य।
सेवक की निशानी। अरदास हम भी करते हैं, अरदास सेवक भी करता है। तो हर से बोलिए धन गुरु नानक। हम अरदास करते हैं दुनियावी पदार्थों के लिए, ये औहदा मिल जाए, ये बीमारी ठीक हो जाए, ऐसे हो जाए, वैसे हो जाए। सेवक अरदास करता है, केवल एक चीज मांगता है, नाम। हर से बोलिए धन गुरु नानक। सेवक की अरदास प्यारे, जप जीवा प्रभ तेरे चरणों का ध्यान धर के नाम जपता रहूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। केवल नाम, जप जीवा, मैं जीवूं तो जप कर जीवूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आखा जीवा विसरे मर जाओ, ये अवस्था है सेवक की, हमारी नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारी हैं अरदासें, हमारी डिमांड्स हैं, दुनियावी लोग हैं, जरूरत पड़ जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और कहाँ जाके कहें गुरु से ना कहें तो। पर एक एक स्टेज आती है, आएगी सेवक वाली, जिस दिन सेवक बन गए ना, फिर सिवाय नाम के कुछ नहीं मांगेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर दिमाग में एक बात बैठ जाएगी कि विण तुद होर जय मंगना, सिर दुखा के कुछ भी मांगूंगा पाचा तुझे छोड़कर दुखी निकलने वाला है, चाहे कुछ भी मांगू। दे नाम संतोखिया उतरे मन की, बस यही मांगो पाचा, ये सेवक की अवस्था बख्श दे, तू बख्श दे। ओड़क निभही प्री सेवक, ओड़क निभही प्री सेवक की, ओड़क निभही प्री सेवक की, ओड़क निभही प्रीत, ओड़क निभही प्रीत, सेवक की, ओड़क निभही प्रीत, ओड़क निभही प्रीत,
वही प्री सेवक की ओढ़त निभही प्री। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। Oh।
सदा जी।